हेलो दोस्तों, एमके जोन 07 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं इंडियन आर्मी के द्वारा जीता हुआ पाकिस्तान का एक टैंक दिखाने के लिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। चलिए, दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं, कुछ बच्चे घूमने आए हैं। देखिए, बच्चे इसके ऊपर बैठे हैं। तो बेटा, टैंक पे बैठकर आपको कैसा लग रहा है बताइए। बहुत मस्त लग रहा है। हाँ, रिपोर्टर है, बताओ बेटा कैसा लग रहा है टैंक पे बैठ के। अच्छा, तो फिर यानी भाई, ये जो अपने यहाँ पर आप हर संडे आते हो क्या? हर संडे? अच्छा, चार संडे पिकनिक मनाने आते हो यहाँ पर। अच्छा, टैंक को अंदर से देखे आप सभी ने, ऐसा है क्या? कैसा लगता है आपको? बहुत मस्त लगता है। क्या नाम है बेटा आपका? आपका? अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर रोज घूमने आते हो ना? अरे वाह, अच्छा, जिम पार्क जाते हो, वो कहाँ पर है? अच्छा, इसके पीछे। अच्छा, ओके दोस्तों, एंजॉय करो आप। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार जी। आज हम आपको दोस्तों ले आए हैं बीकानेर में ही, और दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं एक पाकिस्तान का T-59 टैंक। तो दोस्तों, ये जो टैंक है, ये जिस समय पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उस समय वहाँ से उसको जीत कर लाया गया था जी। और ये टैंक यहाँ से, और ये टैंक यहाँ पर दोस्तों काफ़ी टाइम से पड़ा है। तो फिर आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं ये टैंक। इस टैंक को आपको अच्छे से दिखाते हैं दोस्तों, इसके अंदर से क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आपको सब चीज़ दिखाएंगे दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं टैंक के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसके पहिए होते थे, आपने नहीं देखे होंगे, ये जो इसके पहिए होते हैं दोस्तों, इस पर एक ना चेन लगी होती है, जो चेन इन इस टैंक को आगे चलाने का काम करती है। और आपने देखा ये दोस्तों, आप देख रहे हो, ये पाकिस्तानी आर्मी का टैंक है दोस्तों। और देखिए, आप देख रहे हैं। और दोस्तों, मैं इसको आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, ये अंदर इसमें क्या क्या होता था। वैसे अब तो इसमें इतना सामान नहीं है, जो इसका सामान वगैरह था वो लोगों ने यहाँ निकाल लिया, इसमें सामान वगैरह तो अब इतना नहीं है, बट दोस्तों जितना भी है मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। और देखिए दोस्तों, आप इसकी ये जो चेन देख रहे हैं, जो इसके ये टायर देख रहे हैं, देखिए ये इसके टायर होते थे, इसके ऊपर ये जो अपने चेन लगी होती थी दोस्तों, इस पर ये चेन ही इतने भारी टैंक को आगे खींच कर ले जाती थी, नहीं तो इतने भारी टैंक का आगे जाना संभव नहीं है, आप देख ही रहे हैं। और दोस्तों अब मैं इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ, देखना। एक सेकंड, मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ दोस्तों। भाई देखिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर चढ़ गया हूँ। और दोस्तों देखो, मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ, जिसके अंदर होते थी मशीनें। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर मशीनें होती थी। वैसे अब तो इसमें वो है नहीं मशीनें, सब कुछ लोगों ने गायब कर दिया है। जो जो भैया ड्राइवर होता था वो इसके अंदर यहाँ बैठता था। देखो जहाँ पर आप देख रहे हो नीचे, ये जो अपने नीचे सीट देख रहे हो, यहाँ पर ड्राइवर बैठता था, लेकिन अब तो जी इसको एकदम खाली कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ थोड़ा इसे। और इसके दोस्तों दो गेट होते थे, इसका जो दूसरा गेट था वो ये था। ये देखिए, यहाँ पर जी जो उनके सैनिक होते थे वो इसके अंदर बैठते थे। और देखो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा है, और आप देख रहे हैं ये दोस्तों इसके जो अपने नज़ारा है, आसपास का नज़ारा, ये इस पार्क के अंदर ही इस टैंक को स्थापित किया गया है। और दोस्तों मैं थोड़ा एक बार आपको इसके चारों तरफ घूम के बता देता हूँ टैंक के। और दोस्तों देखो, ये एक और ये होता था, ये इसका एक और जो वो बता गेट होता था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका एक और गेट है, इसका गेट ओपन हो रहा है, देखिए है ना, इसका एक और गेट होता था। और इसके अंदर भी दोस्तों बिल्कुल ये इसको एकदम खाली कर दिया है लोगों ने, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, तो इसमें से सामान निकाल लिया कुछ लोगों ने रात के समय। और आप देख ही रहे हो दोस्तों, इसका बाकी है वीडियो,
और ये मैंने आपको दिखाया था। और दोस्तों जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये इसका इंजन होता था, इस जगह दोस्तों इसका इंजन होता था। और दोस्तों जो आप इसके पीछे ये दो हुक देख रहे हो, लाल लाल हुक बने हुए हैं, ये दोस्तों उसलिए होते थे अगर जैसे मान लो अगर कोई टैंक अगर मान लो बीच रास्ते में ख़राब हो जाता है तो उसको ये दूसरा टैंक भैया खींच के ला सके। और दोस्तों तो इसकी चेन काफ़ी मोटी मोटी होती थी। अब ये देखो यो यानी अपने यहाँ इसका इंजन होता था दोस्तों, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ है ना, ये इसका इंजन होता था दोस्तों। बट अब तो ये सब कुछ ही लोगों ने ख़राब कर दिया है इसे। आपको तो पता ही है जो भी सरकारी संपत्ति होती है लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं है ना, उसे एकदम ऐसे ही समझते हैं। आप सभी ने देखा ही होगा। और ये देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर की मशीनें हैं, इन्हें बिल्कुल जंग लग चुका है इन मशीनों को। पर ये टैंक में एक बार आपको फिर से इसे एक वापस से घूम के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको एक बार वापस से घूम के दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, इस पर लिखा हुआ भी है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप ये जो छोटी सी पेटी देख रहे हो दोस्तों, ये छोटी सी पेटी होती थी, इसमें कोई भाई जैसे मान लो ये जो अपने औजार वगैरह होते थे, कोई सामान होता था ना, वो इसमें रखा जाता था। जो ये है, ये वाली पेटी है, इसमें रखा जाता था जी, ठीक है ना। कोई भी औजार कोई भी सामान होता था वो इसमें रखा जाता था। और देखो आप मेरे को, मैं इसकी ये जो चेन है देखिए दोस्तों, कितनी मोटी चेन है, बहुत ही मोटी चेन है इसकी। और एक बार देखो दोस्तों, मैं आपको इसको पूरा एक बार वापस से घूम के दिखा देता हूँ ना, ये आप देख रहे हो, एक बार इसको वापस से एक बार मैं आपको पूरा घूम के दिखा देता हूँ, देखिए। और ये दोस्तों एक छोटा सा पार्क है, उसमें लगाया गया है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और जी सब्सक्राइब भी जरूर करना।